संभवे गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भैया इंद्र स्वर्ग लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितना स्थल पर गुरु भाई गुरु बहन है उनको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। भैया इंद्र ने जिन शुद्धि है, पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः। दया किस भाव से मांगती हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आपको शिष्या मुझ शिष्या पर दया कीजिए। दूसरा में चर्चा करती हूँ, तीसरा में नमः शिवाय करके प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। अब हम चर्चा कोर में जा रहे हैं दोस्तों, सुनिए सुनिए, जो गलत सलत होगा सो माफ कीजिएगा। दो गुरु बोन थे, उनको एक ठो को तीन ठो लड़का था, एक ठो का बच्चा नहीं हुआ था। मतलब बहुत गरीब थी वो, मतलब मांग चांग कर लाती थी तो खाती थी, नहीं लाती थी तो नहीं खाती थी। तो एक गुरु बन उनको मतलब बड़ो जा दियादनी जे छले से खूब धनी की था, बंगले में आबि जाए छै। तो वो अपन अनेक गरीब था उसको, तो उसको बोल रहा था कि से मतलब जा कुछ जहाँ से लाते थे वहाँ पर से अपन खाते पीते रहते थे। और ये अपन बेचारी 56 प्रकार के बनाकर खाते थे। तो बेचारी एक दिन क्या किया, उसको शिव गुरु का भक्त थे, इतना भक्त थे गुरु का कि मत पूछिए, जो मांगते थे उनको सो में सहाय हो जाते थे। एक दिन क्या किया ना, उसको खेत में ना मतलब कदीमा का गाछ था, तो वो कदीमा में ना छोटा 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 कदीमा फरा हुआ था। उसको घर में कुछ नहीं था उस दिन से, मतलब बना कर खाएंगे। तो वो कदीमा तोड़ कर लाए, ला कर उसको मतलब भात भी बनाए और सब्जी भी बनाए, सब्जी बनाकर उसको खा रहे थे। वो जो कदीमा का सब्जी बन रहा था, इतना सेंट दे रहा था, इतना सेंट दे रहा था कि मत पूछिए। तो उसको घर में जो दियादनी था, सो दियादनी बोल रहे थे कि से बाबू जाओ ना, बड़ी माँ के घर में क्या चीज़ बन रहा है, से बहुत सेंट आ रहा है खाना को। तो वो अपना बोल रही थी, उसको जितना तीनों लड़का गया ना, तो बोला क्या बनेगा, मेरा कदीमा का सब्जी बनाए हैं, भात बनाए हैं, इसीलिए तो हमको भी देना। कल के ठीक है, सब तीनों बच्चा के भी दिया, अपनों भी खाए। उसके मम्मी के जो लालच आ गई, तो बोली कि जाओ ना, ये तो कदीमा का भात भी बनाकर खाती है, सब्जी भी बनाकर खाती है, रात में उठ कर जाकर तीनों लत्ती को काट देंगे, नहीं रहेगा नहीं खाएगी। तीनों बच्चा क्या किया, उसके मतलब रात में जाकर खेत के आड़ पर बैठे हुए थे, बैठे आ उनको देखे हाँसू लेके तीनों बच्चा का हाथ में लेकर भेज दिए कि काटने के लिए काट देंगे। उसको बोले कि ठीक है हम काट देंगे। उसको काटने के लिए जब विदा हुआ, तो उसको लत्ती जब मैं हाथ में पकड़े, तो मतलब साधु के रूप में गुरु प्रकट हो गए हैं, क्या कर रहा है बाबू, क्या कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं, देखने आए, कदीमा हमको होगा तो हम तोड़ कर ले जाएंगे, खाना बनाएंगे। वो बच्चा झूठ बोल दिए, झूठ बोलने के बोला कि ठीक है बाबू अभी मत तोड़ो, रात है सो मतलब सुबह होने दो, सुबह होने पर वो कदीमा तुम तोड़ कर ले जाना। वो ऐसा बोलकर अपना बैठ गए। बैठने से बैठे बैठे सुबह हुआ, तो जैसे तीन कोना पर बैठे हुए, तीनों कोना पर बैठे बैठे वो तीनों बच्चा सो गए। बोला सो जाओ सुबह में काटना, वो सो ही गया, क्या वो सो ही रह गया। तब उसको ध्यान नहीं देखा, मेरा बच्चा नहीं आया, मेरा बच्चा नहीं। बच्चा को जब देखने गया वहाँ पर, तो बोल रहा था कि इसे देखो मेरा बच्चा कहाँ गया। जब देखता तीनों बच्चा सोया हुआ है, जब सोया हुआ है तो बोलता है क्या किया, मतलब बेचा मर गया। ज्ञानी बोला गुरु कैसे क्यों किए हैं से मतलब तीनों बच्चा को मार दिया, हमको नहीं दिए बच्चा, नहीं दिए मतलब तीनों बच्चा को कुछ नहीं होना चाहिए। वो चट से ना किया क्या, गुरु का चर्चा किए खूब भारी करके, चर्चा करके तीनों बच्चा को मिलाकर अपना ये किए। आ उसको जब चर्चा किया, जो लुटकी में जो पानी था वो तीनों बच्चा का जाकर खिला दिए, तीनों बच्चा उठकर बैठ गए। और इसीलिए गुरु के बोले उनको, तो तब उसको छोटी वाली जो है तो बड़ी के पा पकड़ के बोलती है, बहुत हम अन्याय किए से मेरे बच्चों को सिखा दिए कि तीनों जा मिलकर उसको मतलब गाछ को काट कर चले आ, मतलब गाछ को काटने गए तो मेरे तीनों बच्चा वहाँ पर मर गया, तो आप ही के तो कृपया से मेरा बच्चा जी गया, जो किए से हमको माफ़ कर दीजिए। उसको दियादनी से माफ़ी मांगा और वहाँ से चल दिए। दोस्तों चर्चा शेष हो गया। दोस्तों जो अच्छा होगा तो हमको थोड़ा लाइक कीजिएगा, देखें कितना लाइक दे रहे हैं।